खान का अब वनवास खत्म होने वाला है क्योंकि आमिर ने अपनी कमबैक की तैयारी शुरू कर ली है। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप के बाद अब आमिर ने एक एक्शन फिल्म एक अलग जोनर की फिल्म को करने का मन बनाया है, जिसके लिए आमिर ने फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर से भी बातचीत करना मीटिंग करना शुरू कर दिया है। ऐसे में खबर है कि आमिर खान अपनी थ्रिलिंग एक्शन फिल्म गजनी के सीक्वल को लेकर के भी विचार कर रहे हैं और फिल्म के मेकर अल्लू अरविंद से मीटिंग भी कर रहे हैं, जिसके बाद से आमिर के एक बार फिर से संजय सिंघानिया के अवतार में नजर आने की खबरें तेज हो गई हैं। लेकिन गजनी 2 को लेकर आमिर किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। दरअसल आमिर खान पिछले काफी टाइम से साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब खबर है कि वह साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के पापा अल्लू अरविंद के साथ मिलकर अगली फिल्म पर बातचीत कर रहे हैं और एक्साइटमेंट की बात ये है कि इस मीटिंग में से गजनी 2 को बनाने की खबर भी छन छन कर बाहर आ रही है। देखिए, कुछ वक्त से आमिर खान लगातार हैदराबाद में स्पॉट हो रहे हैं क्योंकि आमिर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की वजह से हैदराबाद गए थे। ऐसी रूमर है कि आमिर खान ने 3 महीने में दूसरी बार अल्लू अरविंद से मीटिंग की है, जो उनके पॉसिबल कोलैब का हिंट दे रहा है। हालांकि इस पर आमिर की टीम ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन आमिर के एक करीबी सूत्र ने एक न्यूज पोर्टल को बताया है कि आमिर खान गीता आर्ट्स के निर्माता के साथ एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और वो पिछले हफ्ते उसी के लिए फिर से मिले हैं। आमिर और अल्लू अरविंद पिछले 4 से 5 महीनों के दौरान कई मौकों पर मिले हैं। हालांकि सब कुछ इतना हाइड रखा गया है कि किसी को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में क्या पक रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स में गजनी 2 निश्चित रूप से बाकी के प्रोजेक्ट में से एक है जिसको बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये अभी तक तय नहीं है कि बाकी के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। आमिर ने गजनी में बिजनेसमैन संजय सिंघानिया का किरदार निभाया था, उसमें उनके अपोजिट आसिन भी नजर आई थी। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि मेकर्स जल्द इस प्रोजेक्ट पर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ फैंस भी गजनी 2 को लेकर सुपर एक्साइटेड हो चुके हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आमिर खान अपना वनवास किस फिल्म से खत्म करते हैं। साथ ही ये भी देखने लायक होगा कि गजनी 2 से ही आमिर कमबैक करते हैं या फिर नहीं, और इस फिल्म पर कब तक मेकर्स ऑफिशियल ऐलान करते हैं। खैर, आप बताइए, आमिर खान को एक बार फिर से संजय सिंघानिया के तौर पर देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसका पहला पार्ट आपको कैसा लगा था, ये भी बताइए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।